मैं हूं कहानी वाला और आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी गबन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आज जो विश्व में हो रहा है उसकी चर्चा किए बगैर शायद हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज जब मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं, रूस का यूक्रेन के ऊपर युद्ध छेड़ने का तीसरा दिन है। यूक्रेन पर रूसी बमबारी जारी है और सैकड़ों लोगों की जान खतरे में है और कई आमजन सैनिक मारे जा चुके हैं। कार्ल मार्क्स की एक कथन मुझे याद आ रही है। उन्होंने कहा था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी सेकेंड एज फार्स। मतलब इतिहास खुद को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, दूसरा प्रहसन के रूप में। प्रहसन मतलब व्यंगपूर्वक हंसना या परिहास। तो हम अगर इतिहास को देखें तो इतिहास में हम एक फिक्स ट्रेंड्स देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रथम विश्व युद्ध इतिहास था, द्वितीय विश्व युद्ध एक त्रासदी थी और अभी यह युद्ध जारी रहा और कुछ और देश इसमें शामिल होते हैं तो इतिहास हम पर हंसेगा क्योंकि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। बहरहाल हमारे कई भारतीय भी यूक्रेन में फंसे हैं और जहां तक अभी सूचना मिली है, भारत ने एक स्पेशल विमान को भेज सैकड़ों भारतीयों को निकालने का प्रयास शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारे कई भारतीय वहां फंसे हुए हैं। मैंने यह एपिसोड रिकॉर्ड करने से पहले न जाने कितने पन्ने खराब किए क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि लिखूं क्या, बोलूं क्या। शायद कोविड के बाद इस जनरेशन को यही देखना बचा था। आशावादी हूं तो आशान्वित हूं कि अ बेटर सेंस विल प्रिवेल। और ऐसे विध्वंसक मानसिकता वाले लोगों से जो पूरी दुनिया को समय समय पर युद्ध की आग में झोंकते हैं, हमें मुक्ति मिलेगी। आखिरी में बस इतना कहूंगा, जब मलबों की ढेर में यादें भी दबी पड़ी थीं, हमने उन यादों को उठा, बस ये सोचा था इस रात से पहले कि वो सुबह होगी शायद, जब किसी ने इन यादों को बुना होगा, अपने हंसी के तस्वीर को फ्रेम किया होगा। हौसला हुआ तब कहीं जाके, इस रात के बाद भी वो सुबह फिर आएगी शायद। शांति की चाह लिए गबन के इस अंक को आगे बढ़ाते हैं। अब तक आपने सुना दयानाथ की बीवी जागेश्वरी और उनके बेटे रमानाथ के बीच भयंकर बहस होने के बाद यह निर्णय लिया गया कि सर्राफ के पैसे चुकाने के लिए जालपा के गहने वापस किए जाएंगे और वह भी रमा जालपा से जालसाजी कर उसे चुरा कर दयानाथ को सौंप देगा। यह भी रमा की सुझाई तरकीब थी जिससे वह तो असहज था ही, उससे ज्यादा दयानाथ असहज थे। अब आगे की कहानी। रात के 10 बज गए थे। जालपा खुली हुई छत पर लेटी हुई थी। जेठ की सुनहरी चांदनी में सामने फैले हुए नगर के कलश, गुंबद और वृक्ष स्वप्न चित्रों से लगते थे। जालपा की आंखें चंद्रमा की ओर लगी हुई थीं। उसे ऐसा मालूम हो रहा था, मैं चंद्रमा की ओर उड़ी जा रही हूं। उसे अपने नाक में खुश्की, आंखों में जलन और सिर में चक्कर मालूम हो रहा था। कोई बात ध्यान में आते ही भूल जाती और बहुत याद करने पर भी याद ना आती थी। एक बार घर की याद आई, रोने लगी। एक ही क्षण में सहेलियों की याद आ गई, हंसने लगी। सहसा रमानाथ हाथ में एक पोटली लिए मुस्कुराता हुआ आया और चारपाई पर बैठ गया। जालपा ने उठकर पूछा, पोटली में क्या है? रमानाथ बोला, बूझो तो जानू। जालपा बोली, हंसी का गोलगप्पा है। यह कहकर हंसने लगी। रमानाथ ने कहा, गलत। जालपा ने फिर कहा, नींद की गठरी होगी। रमानाथ ने कहा, गलत। जालपा बोली, तो प्रेम की पिटारी होगी। रमानाथ बोला, ठीक, आज मैं तुम्हें फूलों की देवी बनाऊंगा। जालपा खिल उठी। रमा ने बड़े अनुराग से उसे फूलों के गहने पहनाने शुरू किए। फूलों के शीतल कोमल स्पर्श से जालपा के कोमल शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। उन्हीं फूलों की भांति उसका एक एक रोम प्रफुल्लित हो गया। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ उपहार? जालपा ने कुछ उत्तर न दिया। इस वेश में पति की ओर ताकते हुए भी उसे संकोच हुआ। उसकी बड़ी इच्छा थी कि जरा आईने में अपनी छवि देखें। सामने कमरे में लैंप चल रहा था। वह उठकर कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। नशे की तरंग में उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं सचमुच फूलों की देवी हूं। उसने पानदान उठा लिया और बाहर आकर पान बनाने लगी। रमा को इस समय अपने कपट व्यवहार पर बड़ी गलानी हो रही थी। जालपा ने कमरे से लौटकर प्रमुल्लसित नेत्रों से उसकी ओर देखा तो उसने मुंह फेर लिया। उस सरल विश्वास से भरी हुई आंखों के सामने वह ताक न सका। उसने सोचा, मैं कितना बड़ा कायर हूं, क्या मैं बाबूजी को साफ साफ जवाब न दे सकता था? मैंने हामी ही क्यों भरी? क्या जालपा से घर की दशा साफ साफ
कह देना मेरा कर्तव्य न था। उसकी आंखें भर आई, जाकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। प्रणय के उस निर्मल प्रकाश में उसका मनोविकार किसी भयंकर जंतु की भांति घूरता हुआ जान पड़ता था। उसे अपने ऊपर इतनी घृणा हुई कि एक बार जी में आया सारा कपट व्यवहार खोल दूं, लेकिन संभल गया। कितना भयंकर परिणाम होगा। जालपा की नजरों से गिर जाने की कल्पना ही उसके लिए असह्य थी। जालपा ने प्रेम सरस नेत्रों से देखकर कहा, मेरे दादाजी तुम्हें देखकर गए और अम्मा जी से तुम्हारा बखान करने लगे, तो मैं सोचती थी कि तुम कैसे होगे। मेरे मन में तरह तरह के चित्र आते थे। रमानाथ ने एक लंबी सांस खींची, कुछ जवाब न दिया। जालपा ने फिर कहा, मेरी सखियां तुम्हें देखकर मुग्ध हो गईं। शहजादी तो खिड़की के सामने से हटती ही ना थी, तुमसे बातें करने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जब तुम अंदर गए थे तो उसी ने तुम्हें पान के बीड़े दिए थे, याद है? रमा ने कोई जवाब न दिया। जालपा बोली, अजी वही जो रंग रूप में सबसे अच्छी थी, जिसके गाल पर एक तिल था, तुमने उसकी ओर बड़े प्रेम से देखा था, बेचारी लाज के मारे गड़ गई थी। मुझसे कहने लगी, जीजा तो बड़े रसिक जान पड़ते हैं, सखियों ने उसे खूब चिढ़ाया, बेचारी रुवासी हो गई, याद है? रमा ने मानो नदी में डूबते हुए कहा, मुझे तो याद नहीं आता। जालपा बोली, अच्छा अब की चलोगे तो दिखा दूंगी। आज तुम बाजार की तरफ गए थे कि नहीं? रमा ने सिर झुकाकर कहा, आज तो फुर्सत नहीं मिली। जालपा बोली, जाओ मैं तुमसे ना बोलूंगी, रोज हील हवाले करते हो। अच्छा कल ला दोगे ना? रमानाथ का कलेजा महसूस उठा। यह चंद्रहार के लिए इतनी विकल हो रही है, इसे क्या मालूम कि दुर्भाग्य इसका सर्वस्व लूटने का सामान कर रहा है। जिस सरल बालिका पर उसे अपने प्राणों को न्योछावर करना चाहिए था, उसी का सर्वस्व अपहरण करने पर वह तुला हुआ है। वह इतना व्यग्र हुआ कि जी में आया कोठे से कूदकर प्राणों को अंत कर दे। आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रमा चोर की भांति एक वृक्ष की आड़ से झांक रहा था। जालपा पति के गले में हाथ डाले हुए निद्रा में मग्न थी। रमा मन में विकट संकल्प करके धीरे से उठा, पर निद्रा की गोद में सोए हुए पुष्प प्रदीप ने उसे अस्थिर कर दिया। वह एक क्षण खड़ा मुग्ध नेत्रों से जालपा के निद्रा विहसित मुख की ओर देखता रहा। कमरे में जाने का साहस न हुआ, फिर लेट गया। जालपा ने चौंककर पूछा, कहाँ जाते हो, क्या सवेरा हो गया? रमानाथ ने जवाब दिया, अभी तो बड़ी रात है। जालपा ने पूछा, तो तुम बैठे क्यों हो? रमानाथ ने कहा, कुछ नहीं, जरा पानी पीने उठा था। जालपा ने प्रेमातुर होकर रमा के गले में बाहें डाल दी और उसे सुलाकर कहा, तुम इस तरह मुझ पर टोना करोगे तो मैं भाग जाऊंगी। न जाने किस तरह ताकते हो, क्या करते हो, क्या मंत्र पढ़ते हो कि मेरा मन चंचल हो जाता है। बासंती सच कहती है, पुरुषों की आंखों में टोना होता है। रमा ने फूटे हुए स्वर में कहा, टोना नहीं कर रहा हूं, आंखों की प्यास बुझा रहा हूं। दोनों फिर सोए, एक उल्लास में डूबी हुई, दूसरा चिंता में मग्न। 3 घंटे और गुजर गए। द्वादशी के चांद ने अपना विश्व दीपक बुझा दिया। प्रभात की शीतल समीर प्रकृति को मद के प्याले पिलाती फिरती थी। आधी रात तक जागने वाला बाजार भी सो गया, केवल रमा अभी तक जाग रहा था। मन में भांति भांति के तर्क वितर्क उठने के कारण वह बार बार उठता था और फिर लेट जाता था। आखिर जब 4 बजने की आवाज कान में आई तो घबरा कर उठ बैठा और कमरे में जा पहुंचा। गहनों का संदूक अलमारी में रखा हुआ था। रमा ने उसे उठा लिया और थर थर कांपता हुआ नीचे उतर गया। इस घबराहट में उसे इतना अवकाश न मिला कि वह कुछ और गहने छांट कर निकाल लेता। दयानाथ नीचे बरामदे में सो रहे थे। रमा ने उन्हें धीरे से जगाया। उन्होंने हकपकाकर पूछा, कौन? रमा ने होंठ पर उंगली रखकर कहा, मैं हूं, यह संदूक छीन लाया हूं, रख लीजिए। दयानाथ सावधान होकर बैठ गए। अभी एक केवल उनकी आंखें जागी थीं, अब चेतना भी जागृत हो गई। रमा ने जिस वक्त उनसे गहने उठा लाने की बात कही थी, उन्होंने समझा था कि यह आवेश में ऐसा कह रहा है। उन्हें इतना विश्वास न आया था कि रमा जो कुछ कह रहा है उसे भी पूरा कर दिखाएगा। इन कमीनी चालों से वह अलग ही रहना चाहते थे। ऐसे कुत्सित कार्य में पुत्र से साठगांठ करना उनकी अंतरात्मा को किसी तरह स्वीकार न था। पूछा, इसे क्यों उठा लाए? रमा ने धृष्टता से कहा, आप ही का तो हुक्म था। दयानाथ ने कहा, झूठ कहते हो। रमानाथ ने पूछा, तो क्या फिर रखाऊं? रमा के इस प्रश्न ने दयानाथ को घोर संकट में डाल दिया। झेपते हुए बोले, अब क्या रखाओगे, कहीं देख ले तो गजब ही हो जाएगा। वही काम करोगे जिसमें जग हसाई हो। खड़े क्या हो, संदूकची मेरे बड़े संदूक में रखाओ और जाकर लेट रहो।
कहीं जाग पड़े तो बस। बरामदे के पीछे दयानाथ का कमरा था, उसमें एक देवदार का पुराना संदूक रखा था। रमा ने संदूकची उसके अंदर रख दी और बड़ी फुर्ती से ऊपर चला गया। छत पर पहुंचकर उसने आहट ली। जालपा पिछले पहर की सुखद निद्रा में मग्न थी। रमा ज्यों ही चारपाई पर बैठा जालपा चौंक पड़ी और उससे चिमट गई। रमा ने पूछा, क्या है, तुम चौंक क्यों पड़ी? जालपा ने इधर उधर प्रसन्न नेत्रों से ताक कर कहा, कुछ नहीं, एक स्वप्न देख रही थी। तुम बैठे क्यों, कितनी रात है अभी? रमा ने लेटते हुए कहा, सवेरा हो रहा है। क्या स्वप्न देखती थी? जालपा बोली, जैसे कोई चोर मेरे गहनों की संदूकची उठाए लिए जाता हो। रमा का हृदय इतने जोर से धक धक करने लगा मानो उस पर हथौड़े पड़ रहे हैं। खून सर्द हो गया, परंतु संदेह हुआ, कहीं इसने मुझे तो देख नहीं लिया। वह जोर से चिल्ला पड़ा, चोर चोर। नीचे बरामदे में दयानाथ भी चिल्ला उठे, चोर चोर। जालपा घबरा कर उठी, दौड़ी हुई कमरे में गई, झटके से अलमारी खोली, संदूकची वहां न थी। मूर्छित होकर गिर पड़ी। गबन के इस अंक को यहीं विराम देते हैं। आगे की कहानी अब हम अगले हफ्ते सुनेंगे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही प्रार्थना करें कि विश्व में शांति कायम हो। मिलते हैं अगले अंक में। मैं हूं कहानी वाला।